एक दौर आते रहे हैं और जो मेन उसका जो ओरिजिन होता है, जो ओरिजिनल कंपनी रहती है, वही फेस करती है, बाकी सबके सब चली जाती है। बीच में एक स्पीक एशिया करके एक कंपनी आई थी 2010 में, बहुत बेहतरीन काम की थी, बहुत आगे बढ़ी थी। उसके तर्ज पर तमाम सारी कंपनी जा गई और वो आखिरी तक थी, झेली है और सरकार से एक कोर्ट में बराबर वो दे रही थी कि हमको काम करने का, आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और ये जो भी चीजें हैं हम इसको करके चल रहे हैं, लेकिन उसको रगड़ दिया गया और बाकी सब पहले ही भग गए। तो वही चीज होता है कि जब तक कोई एक चीज जब आ गई और वो सफल हो गई तो उसके तर्ज पर तमाम सारी कंपनियां आती हैं और हम सब उसमें पिसते रहते हैं, लुटाते रहते हैं, लूट तो नहीं पाते हैं, लुटाते ही रहते हैं। तो इस नाते हम लोगों को हर चीज को बहुत अच्छे ढंग से जानने समझने की जरूरत होती है और इस समय मार्केट में बड़ा उथल पुथल चल रहा है, कभी मार्केट बहुत हाई हो जा रही है और कभी मार्केट बहुत लो हो जा रही है। अब इस समय जैसे यहाँ पर हम सब आए हैं, सबके दिमाग में यह है कि हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर लें, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग क्रिप्टो वाले ही हैं। तो क्रिप्टो वालों के दिमाग में दूसरी मार्केट समझ में नहीं आती है, ना फॉरेक्स की, ना कमोडिटी की, ना शेयर मार्केट की। तो इस समय आप लोग देख लें कि बीएनबी का जो दौर चल रहा है, बीएनबी की जो चाल चल रही है, वो अभी नीचे जाने की है और अब उसको अगर ट्रेडिंग की भाषा में कहेंगे तो 1D के डिमांड से वो गई है सप्लाई पर और सप्लाई से नीचे की तरफ आ रही है और अभी और आएगी और ये मार्केट अभी कम से कम 2-4 दिन बियरिस रहेगा। तो जो भी लोग लगाने वाले हैं अपना लगा रहे हैं, लगा करके कमा भी रहे हैं। तो ये सब जब थोड़ा सा हम लोग जानकारी करते हैं, उसके बारे में अच्छी जानकारी हो जाती है तो बेहतरीन ढंग से काम कर सकते हैं।